आहस सरोकार। बाली में पीएम मोदी करेंगे 8 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा संभव। तेलंगाना में सीएम केसीआर ने एक साथ 8 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन, कक्षाएं भी शुरू। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह का बयान, नेताजी मुलायम सिंह यादव बड़े कद के नेता थे। कासगंज में खाद्य सुरक्षा का चलाया गया अभियान, फूड सेफ्टी वैन से जांचे गए खाद्य पदार्थ। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी सरकार की बड़ी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव बड़े कद के नेता थे। नेताजी मुलायम सिंह का पार्टी में जो अपमान हुआ है और पद से हटाने का काम हुआ है, तो हम लोगों को क्या सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही कहा कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, आम के लिए काम करूंगा, घर घर जाकर जनता की सेवा करूंगा और आम जनता डिम्पल यादव से नहीं मिल सकती है। कर्तव्य है, हम कोई बड़े परिवार से तो है नहीं, राजघराने से तो है नहीं, किसान के बेटे हैं भाई। वो राजघराना बड़ा परिवार, उनके सामने माई कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सेवक और जनता में बहुत अंतर हो जनता बड़े नहीं तो बहुत होता है। जो सेवक होता है ना, वो ज़्यादा काम करता है, वो हमेशा मदद करता है, बुरे वक्त में सेवक ही साथ देता है। क्या गुरु शिष्य की प्रचार में आएंगे, शिष्य के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, ये नेता है, दल भी उनका अलग है, उनकी क्या वो है, हम तो एक आशीर्वाद लेने जाएंगे उनसे, सबसे आशीर्वाद लेंगे मैनपुरी के, आपके मैनपुरी की बुजुर्ग। कासगंज के नगर पालिका परिषद गंज डुंडवारा प्रांगण खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय प्रकाश के नेतृत्व में मोबाइल फूड सेफ्टी वैन पहुंची, जहां पर वैन में मौजूद विभागीय कर्मचारियों ने नगर के व्यापार मंडल अध्यक्ष सभासद राजकुमार गुप्ता के सहयोग से व्यापारियों एवं आम आदमियों से नमूने लिए। वहीं इस दौरान दाल, चावल, मिर्च, बेसन के 25 नमूने मोबाइल फूड सेफ्टी वैन जांच के लिए आए, जिनमें से जांच के दौरान 2 मिर्च के नमूने अधोमानक पाए गए। नमूनों को अधोमानक पाए जाने पर अधिकारियों द्वारा आम जनमानस को उसकी गुणवत्ता के बारे में बताकर जागरूक किया। सीतापुर में मिश्रित थाने प्रभारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में थाना प्रभारी थाने में फरियाद लेकर आए फरियादियों से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। बता दें, थाना प्रभारी ने थाने में मौजूद महिला फरियादियों से भी अभद्रता की है। हरदोई में जिला अधिकारी के कार्यालय में फरियाद लेकर आए फरियादी ने जब जिला अधिकारी से मिलना चाहा, तो वहां पर बैठे नगर मजिस्ट्रेट ने डीएम से मिलने से मना कर दिया। वहीं जब किसान डीएम से मिलने की जिद पर आ गए, तो नगर मजिस्ट्रेट ने किसान को
पुलिस बुलाकर थाने भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक फरियादी किसान की कुछ दबंगों ने खेत पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत डीएम से करने आया था। देखिए, आप स्वयं भी देख सकते हैं कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर जन शिकायतों को न केवल सुनवाई किया जा रहा है, बल्कि उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के लिए हम लोग लगातार प्रतिबद्ध हैं। शासन की भी ऐसी मंशा है कि जो भी व्यक्ति या फरियादी आए उसकी सम्यक सुनवाई की जाए, उनको हर तरीके से सुना जाए। मामला बिलग्राम तहसील का है, जहाँ से शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि आलू बुआई न होने देने के कारण कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, बोने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हम लोगों ने तुरंत SDM साहब को कॉल किया, उनकी शिकायत को प्राप्त किया, उस शिकायत को हमने व्हाट्सअप करवाया और तहसील की टीम उनको रवाना भी करा दिया गया। रायबरेली में सदर तहसील के राजस्वा ग्राम रजवापुर में अवैध कब्जादारों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। बता दें, चारागाह की सुरक्षित जमीन को SDM सदर सिखा संखवार ने राजस्वा टीम के साथ भू माफियाओं से 12 बीघे जमीन को मुक्त कराया। जानकारी के मुताबिक मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों में आंकी गई है। ये सदर तहसील के राही ब्लॉक में ग्राम राजस्व ग्राम रजवापुर में करीब 13 बीघा का चरागाह की हमारी सुरक्षित भूमि थी, जिसमें कि करीब 12 बीघा 3 हेक्टेयर के अराउंड इसको खाली करा लिया गया है और कुछ क्षेत्र में अभी भी फसल है, क्योंकि वो खड़ी फसल है तो उसको ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में कर दिया गया है और इसके बाद उसकी जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। हरदोई में शाहजहांपुर के थाना कोतवाली देहात इलाके में हाईवे पर डाला और स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। जोरदार भिड़ंत के बाद डाला के बीच सड़क पलट जाने से मुर्गी के सैकड़ों चूजों की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों को क्रेन की मदद से थाने भिजवाया। रायबरेली में शिवगढ़ थाना क्षेत्र के सुमावा चौकी के पास आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से दो लोग दब गए, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे व्यक्ति का इलाज चल रहा है। के रहने वाले हैं, रास्ते में ये लोग जा रहे थे ट्रैक्टर से, तभी आवारा पशु आ गए। आवारा पशु आने के कारण बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, वही जाके खंती में ट्रैक्टर चला गया पशु बचाने के चक्कर में। उसके बाद क्या? अब उसके बाद जिला अस्पताल लेके आए हैं, तो एक तो वहीं पे एक्सपायर हो गया पंकज जो है, और दूसरे की हालत नाजुक है, वो जो नरथुआ ग्राम सभा का है चंदे। ये दो शिवगढ़ के पास कोई गाँव है जहाँ की घटना है, ट्रैक्टर पलट जाने से दो लोग उसमें दब गए थे, जिसमें पंकज सिंह उम्र लगभग 26 साल, ये ब्रॉड डेड आए थे 9 बजे और इन्हीं के साथ जो मरीज है वो भी गंभीर हालत में, उसको भर्ती कर दिया। देवरिया में पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अध्यक्ष बरियारपुर पुलिस फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना पर मधवापुर से 2 पिकअप वाहन और 10 गौवंश बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।